So today we are going to start the first chapter of class 12, that is reproduction in organisms. ठीक है? हम इसमें अच्छा आप लोगों को पता ही है पहले से कि मेरे साथ जब भी आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी लेकर बैठेंगे एनसीईआरटी की हर लाइन कवर करेंगे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू 100% एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे. दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. अच्छा तो हम जानते हैं बच्चे रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म. ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम काइंड, अपने ही तरह के और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ठीक है, अपने ही तरह के और ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन. ऑर्गेनिजम्स में आपको इकोलॉजी में पूरा डिटेल पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स क्या होता है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, राइट? अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चे स्टार्ट विद लाइफ स्पैन. पहला टॉपिक आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है दिस इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में मतलब पूरी लाइफ जितने भी जी रहा है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. अब बहुत सारी फेजेस आती है बच्चे इसके बीच में हमारे पास. ठीक है, जैसे बर्थ हुआ, बर्थ के बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद प्यूबर्टी आएगी. प्यूबर्टी का क्या मतलब है? प्यूबर्टी का सिर्फ एक मतलब कि सेक्स हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो चुके हैं. सेक्स हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो चुके हैं, मेल के अंदर एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, दोनों स्टार्ट हो चुके हैं. उसके बाद आएगा सेनेसेंस. सेनेसेंस बोलूं या एजिंग बोलूं एक ही बात है. उसके बाद रामना सत्य डेथ. ठीक है, तो इससे पहले इस पोजीशन पे क्या हो रहे हैं बच्चे? मेल के अंदर अगर मैं बात करूं तो 13 से 14 साल की उम्र में आती है प्यूबर्टी. इन फीमेल 10 टू 12 इयर्स में प्यूबर्टी आ जाती है. ठीक है, 10 टू 12 इयर्स में प्यूबर्टी आ जाती है. यहां पर क्या हो रहा है, सेक्स हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो रहे हैं. तो सेक्स हार्मोन, इससे पहले तो सेक्स हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा है, दैट मींस इससे पहले की स्टेज में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है. तो दिस फेज इज कॉल्ड प्री रिप्रोडक्टिव फेज. दिस फेज इज कॉल्ड प्री रिप्रोडक्टिव फेज. यहां पे रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसके बाद बुढ़ापे तक क्या होगा बच्चे? रिप्रोडक्शन. तो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज एंड आफ्टर दैट पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है ना, फीमेल्स के अंदर एक कंडीशन आती है जिसे मेनोपॉज बोलते हैं, जिसको वहां पर स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, ओवम रिलीज करना फीमेल्स बंद कर देती है. ठीक है, तो लाइफ स्पैन की बात करते हैं बच्चे. तो सबसे पहला लाइफ स्पैन की बात करूं तो क्रो का लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स. दूसरा पैरट का लाइफ स्पैन है 140 years. तो आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा वेरिएशन है इन दोनों के लाइफ स्पैन में, और जबकि साइज तो ऑलमोस्ट सेम है. यानी कि लाइफ स्पैन साइज से कोई मतलब नहीं है. ठीक है ना, लाइफ स्पैन का साइज से कोई मतलब नहीं है. तो लाइफ स्पैन ऐसे लिखते हैं, देयर साइज डज नॉट कोरिलेट with their lifespan. उनके lifespan से उनका size correlate नहीं करता है, size independent होता है किसके? lifespan के. ठीक है ना, अच्छा NCERT के अंदर बहुत सारे कुछ lifespan दे रखे हैं, एक एक करके देखते हैं. Human का lifespan है 100 years. Human का lifespan है 100 years. अगर मैं एवरेज लाइफ स्पैन की बात करूं बच्चे, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन
तो इंडिया के अंदर 58 ईयर्स है और यूएस के अंदर 78 ईयर्स है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर सिर्फ 58 ईयर्स है, ठीक है, 56 to 58 ईयर्स होता है, 56 to 58 ईयर्स होता है इंडिया के अंदर एवरेज लाइफ स्पैन। तो हमारी जो कंट्री में है वो यूथ ज्यादा है, तो हमारी कंट्री को बोला जाता है यंग एज कंट्री और इनकी कंट्री को बोला जाता है ओल्ड एज कंट्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका फूड, इनकी हैबिट, इनका लाइफस्टाइल, इनका हॉस्पिटैलिटी हमसे बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है, इसलिए इनके यहाँ पे ज्यादा टाइम तक लोग जी पाते हैं। और बात करते हैं एनसीईआरटी और भी लिखती है, बनाना 25 to 30 ईयर्स, बैनियन बरगद का पेड़ बैनियन ट्री 200 to 300 ईयर्स, रोज 5 to 7 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक और राइस प्लांट 3 to 4 मंथ्स, हॉर्स का होता है 50 ईयर्स, डॉग 20 to 30 ईयर्स होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लाइफ स्पैन है आपके एनसीईआरटी के अंदर, बहुत सारे लाइफ स्पैन दिए हुए हैं। आप इस चीज को याद रखना, ये भी एनसीईआरटी की ही लाइन है कि उनका साइज कोरिलेट नहीं करता उनके लाइफ स्पैन से, ठीक है ना। लाइफ स्पैन पे कोई असर नहीं होता साइज का, साइज ऑलमोस्ट सेम है और लाइफ स्पैन में ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन लिखती है एनसीईआरटी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिखती है, जैसे क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, टॉर्टोइस को क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस क्रोकोडाइल, ठीक है, टॉर्टोइस कितना है 152 ईयर्स, क्रोकोडाइल का कितना है 160 ईयर्स। अच्छा एक चीज बता दो, लाइफ स्पैन कितना ज्यादा हो सकता है? लाइफ स्पैन एक ट्री है लारिया ट्राइडेंटेटा, इसका लाइफ स्पैन है 11,300 ईयर्स, इस तरह ज्यादा लाइफ स्पैन होता है इसका, ठीक है ना। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन कुछ नहीं होता, जहां पूरा बर्थ हुआ, बर्थ से लेकर ये पूरी फेज पूरे करते हुए डेथ तक, फ्रॉम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, जो लाइफ स्पैन होता है वो साइज के साथ कोरिलेट नहीं करता है। ये सारे लाइफ स्पैन आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सारे लाइफ स्पैन एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ठीक है ना, नोट करो। चलो बच्चों, ने लाइफ स्पैन की बात की, लाइफ स्पैन में आपने देखा कि भाई जो आया है वो तो मरेगा, ठीक है, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर, मतलब डेथ जो है, डेथ इज सर्टेनिटी, मतलब दैट डेथ इज इनएविटेबल, डेथ तो निश्चित है, डेथ तो होगी एक्सेप्ट यूनिसेलुलर। क्या होगा? एक जो होगा दो में कन्वर्ट हो जाएगा, मरा तो है ही नहीं है, इट इज नॉट लाइक ये मरेगा ही नहीं कभी, करंट लगा दो अमीबा मर जाएगा, ठीक है, हीट दे दो अमीबा मर जाएगा, लेकिन जनरली नेचुरल डेथ नहीं होती है, जिसको हमने पढ़ा था लाइफ स्पैन होता है, नेचुरल डेथ नहीं होती है, इसके अंदर दो के अंदर टूट जाते हैं, तो एक्सेप्ट यूनिसेलुलर।
ये यूनिसेलुलर क्या है, अमर है, दिस इज कॉल्ड इमॉर्टल, अमर, ठीक है ना, एनसीईआरटी लिखती है स्लाइड को। अच्छा बच्चे, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि ये इंश्योर करता है, इट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। पेज नंबर 3 लास्ट लाइन एनसीईआरटी की, इट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर मान लेते हैं रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा किसी स्पीशी के अंदर, तो आगे कोई स्पीशी होगी नहीं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन है तो आगे बन रहे, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे नहीं बनेंगे, और आगे नहीं बनेंगे तो वो स्पीशी वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसी चीज है जो कि इंश्योर करती है, जो कि इंश्योर करती है कि लाइफ अर्थ के ऊपर रहेगी, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन जो है, हमने देखा कि रिप्रोडक्शन है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है ना, अपने सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स को बनाना, अपने ऑफस्प्रिंग को बनाना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बच्चे सुनो, यहां पर रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि दो चीजों के अंदर कैटेगराइज कर रहा है इसको, ठीक है ना, दो पार्ट्स के अंदर हम जानते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल वर्ल्ड। जो रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग होता है, सेम होता है, बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। किसी के अंदर कोई मोड है, किसी के अंदर कोई मोड है, किसी के जेनिटल ऑर्गन किसी टाइप के हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट, दो चीजों पे डिपेंड करता है, हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स। कुछ और फैक्टर्स हैं, उन पे भी डिपेंड करता है, मेन फैक्टर्स है हैबिटेट एंड फिजियोलॉजी। एनसीईआरटी की लाइन है पेज नंबर 5 सेकंड पैराग्राफ की सेकंड या थर्ड लाइन है, दैट इट डिपेंड्स ऑन हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड अदर फैक्टर्स। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, पहला है एसेक्सुअल एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल। अब अगेन दूसरा क्वेश्चन, ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल किस बेसिस पे बांटे हैं दोनों अलग अलग? आंसर चार चार ऑप्शन आएंगे, नंबर ऑफ पेरेंट के बेसिस पे बांटे हैं, वेरिएशन के बेसिस पे बांटे हैं, म्यूटेशन के बेसिस पे बांटे हैं, ठीक है, या मेयोसिस फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे बांटे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ सकती हैं। आपको याद रखना है कि ये जो है, ये दोनों, इनका जो डिवीजन हुआ है वो हुआ है नंबर ऑफ पेरेंट्स पे। एनसीईआरटी दो तीन जगह लिखती है, अगेन पेज 5 सेकंड पैराग्राफ थर्ड या फोर्थ लाइन, आप देखो कि नंबर ऑफ पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि ये एसेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा। अगर एक ही पेरेंट है तो एसेक्सुअल, और दो पेरेंट इन्वॉल्व हो गए तो बाइपेरेंटल, ठीक है ना, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो यूनिपेरेंटल, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो गए तो बाइपेरेंटल। बाइपेरेंटल होता है सेक्सुअल के अंदर, यूनिपेरेंटल होता है एसेक्सुअल के अंदर। चलो दूसरी और क्या चीज है बच्चे, इसके अंदर मेयोसिस होती है, एक स्पेशल टाइप की डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होके हाफ हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई मेयोसिस नहीं होती, ठीक है ना, इसके अंदर मेयोसिस होगी, इसके अंदर कोई मेयोसिस नहीं होगी। अच्छा, अगर मेयोसिस होती तो क्या होता है? इस मेयोसिस से हमें पता चला कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देगा, पहली बात। दूसरी बात क्या करेगा, ये जो मेयोसिस है, ये मेयोसिस से, मेयोसिस क्या होती है बच्चे सुनो, ये एक सेल है, हम पता है कि हमारी सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम, 23 फादर से आई हैं, 23 मदर से आई हैं, और वो पेयर में रहती हैं। तो ये जो है वो फादर से आई है, ये जो है वो मदर से आई है, राइट। जब डिवीजन होती है तो क्या होता है, ये फादर वाली है और ये मदर वाली है, फादर मदर, फादर मदर। तो क्या होती है, जब डिवीजन होती है तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, ये फादर ये मदर, ठीक है ना, ये वाला फादर है, ठीक है, ये वाला मदर है, तो ये वाला फादर और इसकी डुप्लीकेट कॉपी मदर की, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, ये मदर की डुप्लीकेट कॉपी है और ये
फादर का है, ठीक है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, इसमें से कुछ जीन्स इसके ऊपर चले आते हैं, इसमें से कुछ जीन्स इसके ऊपर चले आते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हुई और इसके कुछ इधर चले गए, इसके कुछ इधर चले गए, तो कुछ नए कॉम्बिनेशन बन गए, कुछ रिकॉम्बिनेशन बन गए, रिकॉम्बाइन कर गए, क्या बन गए बच्चे, रिकॉम्बिनेशन। और जब कुछ नया कॉम्बिनेशन बनेगा यार, तो चेंजेस आएंगे, और उन चेंजेस को क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। और वेरिएशन तो हमेशा अच्छे होते हैं, वेरिएशन जनरली अच्छे होते हैं, वेरिएशंस आर गुड, तो अच्छे चेंजेस हैं, राइट। अच्छा, इसके अंदर कोई मियोसिस नहीं है तो कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी। अगर कोई वेरिएशन नहीं होगी भाई, अगर कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे तो क्या होगा, अगर कोई वेरिएशन नहीं, कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन होगी, जो पॉपुलेशन होगी यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो एकदम सेम होंगे, नो वेरिएशन मतलब एकदम सेम, सिमिलर, ठीक है ना, सिमिलर होंगे, तो यानी कि ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो दिखने में भी और जीन्स भी उनके सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे ये, ठीक है। और ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं क्लोन्स, ठीक है ना, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं क्लोन्स। तो ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे, उनको क्लोन्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, क्योंकि कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि कोई मियोसिस ही नहीं है। हमने देखा था कि मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होती है, नए वेरिएशन आते हैं, अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं, तो ये जो वेरिएशन आया ये तो इवोल्यूशन में पार्ट ले लेंगे। एसेक्सुअल कोई बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता नहीं है इवोल्यूशन के अंदर, राइट। चलो, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर एक और प्रोसेस होती है, इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन। यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना, यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, यहां पे बच्चे इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट होता है, गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं यहां पर सेक्सुअल के, हमें पता है गैमेट बनेंगे, एसेक्सुअल के अंदर गैमेट बन भी सकते हैं, नहीं भी बनेंगे, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, ठीक है। तो गैमेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, मतलब आपने अभी तक पढ़ा होगा कि सर एसेक्सुअल के अंदर कोई गैमेट नहीं बनता, यार बन भी सकता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एनसीईआरटी ही ये लाइन लिखती है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 5 सेकंड पैराग्राफ थर्ड लास्ट लाइन, एनसीईआरटी इस चीज को लिखती है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लियर। तो ये एसेक्सुअल है और ये सेक्सुअल है, इन दोनों का डिफरेंस है, तो आपको ये याद रखना है, एनसीईआरटी की ये लाइन, एनसीईआरटी की ये लाइन याद रखनी है आपको, एंड ये वाली लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, इतना नोट करो, डन। देखो, अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स, ठीक है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स देखेंगे। तो बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला है हमारा फिशन। फिशन के अंदर होते हैं बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। ठीक है, बाइनरी फिशन के अंदर अगेन चार होते हैं, इरेगुलर बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन और ऑब्लिक बाइनरी फिशन। ठीक है ना, तो ये चार टाइप का बाइनरी फिशन होता है। तो फिशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं फिशन होता क्या है। फिशन होता है डायरेक्ट डिवीजन। माइटोसिस नहीं है यार ये, माइटोसिस अलग होती है, फिशन अलग होती है। माइटोसिस के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, फिशन के अंदर कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती है, नो स्पिंडल फॉर्मेशन। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड फिशन इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन यार। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिवीजन। तो फिशन क्या होती है, फिशन क्या होती है, एक ऐसी डायरेक्ट डिवीजन जिसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती है। अब इसके अंदर हम सबसे पहला बाइनरी फिशन को जानते हैं। बाइनरी फिशन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दो के अंदर स्प्लिट कर जा रहा है, दो में स्प्लिट कर गया, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। एग्जांपल लेके बात करते हैं बच्चे, इरेगुलर बाइनरी फिशन। इरेगुलर बाइनरी फिशन सबसे पहले, इरेगुलर बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है, एग्जांपल देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका अमीबा। इसके अंदर क्या होता है, देखो ये एक अमीबा, ठीक है, ये अमीबा, इसका न्यूक्लियस अलग होने लगेगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस अलग होने लगा, न्यूक्लियस अलग हो चुका है। This process is called karyokinesis, ठीक है ना। karyokinesis क्या होता है, kinesis का मतलब कहीं पर भी आ रहा है तो division, karyon का मतलब nucleus, तो nuclear division is karyokinesis, हो गया। अब इसका दो अलग अलग अमीबा बन जाएगी, इसका cytoplasm का division हो जाएगा, nucleus के division को karyokinesis, cytoplasm के division को साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। तो ये एक इरेगुलर बाइनरी फिशन है जो हमें अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, बचपन से बातें पढ़ रहे हो, ठीक है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल और ऑब्लिक, देखो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ये जो होता है वो ट्रांसवर्सल होता है। एग्जांपल है यूक्लिना, जैसे एक यूग्लिना होगा, ठीक है, यूग्लिना से ऐसे डिवीजन होगा और यूग्लिना ऐसे दो में बढ़ जाएगा, तो डिवीजन कुछ इस प्लेन में होगा, डिवीजन इस प्लेन में होगा तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है ना। सॉरी, इसका एग्जांपल होगा पैरामेशन, डिवीजन कुछ इस तरह होगा, ठीक है ना, डिवीजन इस तरह होगा और इस तरह होगा तो एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा, एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, क्योंकि डिवीजन इस प्लेन में हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी डिवीजन। ऐसे ही लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन के अंदर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन में एग्जांपल उसका यूक्लिना, इसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म है उसमें ऐसे डिवीजन होगी और दो अलग अलग ऐसे टूट जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे डिवीजन होगी, डिवीजन लॉन्गिट्यूडिनल होती है यार, ठीक है ना, डिवीजन लॉन्गिट्यूडिनल होगी, अलग अलग बन जाएंगे। तो ये होता है यूक्लिना के अंदर, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। थर्ड
थर्ड फोर्थ होता है आपका ऑब्लीक ऑब्लीक बाइनरी फिशन. एग्जाम्पल सराशन, ये ऑब्लीक होता है. ठीक है ना, तो हमने देखा इरेगुलर ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल और ऑब्लीक. इरेगुलर किसमें होता है, अमीबा के अंदर होता है. ट्रांसवर्स किसमें होगा, पैरामीशियम में होगा. लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन किसमें होता है, युग्लेना. ऑब्लीक बाइनरी फिशन किसमें होता है, सराशन में होता है. क्लियर है यहां तक. इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल फिशन क्या होता है. मल्टीपल फिशन देखते हैं, मल्टीपल फिशन के पीछे दो एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल आपका दे रखा है पहले तो प्लाज्मोडियम, हम बाद में देखेंगे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है. प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. दूसरा एग्जांपल अकेंसिया आर्टिलिक्टी या अमीबा. हाँ, अमीबा के अंदर भी मल्टीपल फिशन होता है. जनरली अमीबा के अंदर क्या देख रहे थे हम, बाइनरी फिशन. बट अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा के अंदर भी मल्टीपल फिशन होता है. ठीक है, जैसे हम देखते हैं ये अमीबा, ठीक है ना, ये अमीबा अमीबा क्या करता है, अमीबा अपने शूडोपोडिया निकाल देता है, अपने शूडोपोडिया विड्रॉ करेगा. सबसे पहले अमीबा अपने शूडोपोडिया को विड्रॉ करेगा, शूडोपोडिया निकाल लेगा, अपने फॉस्फेट निकाल लेगा. ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक छोटा सा वैक्यूल होता है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है ना, न्यूक्लियस वैक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब क्या करेगा, अपने शूडोपोडिया निकाल लिया, शूडोपोडिया निकालने के बाद अपने बाहर एक थ्री लेयर थिक वॉल सिक्रीट करेगा, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट. ठीक है ना, सिस्ट थ्री लेयर थिक होती है, तीन लेयर थिक होती है. सिस्ट अपने आसपास सिक्रीट करेगा और अंदर ही बहुत सारे डिवीजन कर डालेगा. तो सिस्ट बनाया, ठीक है ना, सिस्ट बना लिया. सिस्ट बनाने को हमने बोला कि ये प्रोसेस क्या है, एंसिस्टेशन. ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर लिए, तो हमने क्या बोला, न्यूक्लियस डिवीजन को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो गया. यहां पे बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर गए, तो यहां पर क्या हो गया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. ठीक है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया. अब ये क्या करता है, अपने आस पास साइटोप्लाज्म घेर लेगा. अपने आसपास साइटोप्लाज्म को घेर लेगा. अब इनको एक इंडिविजुअल को, एक अलग अलग बन गए बच्चे, ठीक है ना, अपने आसपास साइटोप्लाज्म घेर लिया, अलग अलग बन गए. इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला शूडो पोडियो स्पोर्स. क्या बोला हमने, इसको बोला हमने शूडो पोडियो स्पोर्स बोलते हैं इनको. तो अभी अभी थ्री लेयर थिक इनके पास है ये वॉल. तो जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आई, ठीक है ना, फेवरेबल कंडीशन कम्स जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आएगी. अच्छा मुझे बताओ कि ये जो सिस्ट बनाई थी ये किस लिए बनाई थी, रिप्रोडक्शन करने के लिए? नहीं, ये सिस्ट बनाई थी जब कंडीशन कैसी थी, अनफेवरेबल. अनफेवरेबल कंडीशन में इसने अपने आप को बचाने के लिए थ्री लेयर थिक वॉल सिक्रीट की थी. मान लेते बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो अपने आप को बचा लेगा, बाहर पीएच बहुत कम है, एसिडिक है तो अपने आप को ये बचा लेगा. अपने आप को बचाने के लिए इसने क्या किया था, सिस्ट बनाई थी. इसका कोई मतलब नहीं था रिप्रोडक्शन करने का. बट जब सिस्ट बन जाती है तो इसको जब न्यूक्लियर डिवीजन कर लेता है, बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद ये अपने साइटोप्लाज्म को घेर लेगा, वहां पर डिवाइड कर लेगा, छोटी छोटी इंडिविजुअल एंटिटी बना लेगा. हम क्या बोलेंगे, शूडोपोडियो स्पोर्स, स्पोर्स की तरह बन गए हैं. ठीक है ना, स्पोर्स की तरह बन गए हैं, इसलिए हमने इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला, स्पोरुलेशन. इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला, स्पोरुलेशन. अब जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी सिस्ट टूट जाएगी, अब कोई जरूरत नहीं है सिस्ट की. सिस्ट टूट गई और ये सारे शूडोपोडियो स्पोर्स बाहर हो गए, बाहर आ गए. और अब हमने इनको क्या बोला, डॉटर अमीबी.
ठीक है ना, तो दिस इज नाउ डॉटर अमीबे, क्लियर है? चलो नोट करो, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं पूरा। दूसरा देखते हैं बच्चे, दूसरा है हमारा सेकेंड इज बडिंग, सेकेंड इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में ईस्ट में अलग होती है, ईस्ट में होती है बडिंग, ठीक है ना, प्लांट के अंदर हम रख देते हैं इसको और एनिमल्स के अंदर भी होती है, ठीक है। एनिमल्स के अंदर बाहर अगर बड बन रही है तो हमने क्या बोला, एक्सटर्नल बडिंग, अगर बड अंदर बन रही है तो इंटरनल बडिंग। जनरली बच्चे इंटरनल बडिंग पे ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन यहीं से आता है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। तो देखते हैं हम ये बेसिकली पढ़ चुके हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। हम सबसे पहले ईस्ट में देखते हैं, ईस्ट के अंदर हमने देखा कि ये हमारा ईस्ट है, जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सबसे पहले ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट अपने आस अपनी एक छोटी सी आउटग्रोथ करेगा, ठीक है ना, एक छोटी सी आउटग्रोथ करेगा और उस आउटग्रोथ को हम बोलते हैं बड, ठीक है। आउटग्रोथ की ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ईस्ट की ये न्यूक्लियस है और ये उसका वैक्यूल है, ठीक है ना, दिस इज वैक्यूल, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, एक बड निकाली, एक आउटग्रोथ की, आउटग्रोथ करने के बाद यहां पर न्यूक्लियस को डिवाइड किया, ठीक है ना। अगेन न्यूक्लियस डिवीजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना। अब क्या करेगा बच्चे, ये ना इसको पुश कर देगा इस बल्जिंग स्ट्रक्चर में, जो हमारा आउटग्रोथ है बड है, इसके अंदर कर देगा पुश, ठीक है। और जैसे ही पुश करेगा इसके अंदर, बड अपनी साइज को बढ़ा लेगी, बड अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है, ठीक है ना। जैसे ही इसके अंदर चला जाएगा, बड अपने साइज को इंक्रीज कर लेगी और लेटर ऑन बड क्या कर जाएगी बच्चे, डिटैच कर जाएगी, लेटर ऑन बड डिटैच कर जाएगी, वैक्यूल ऐसा चलेगा, ठीक है ना। ये लेटर ऑन बड डिटैच कर गई और ये क्या बनाएगी, एक न्यू ईस्ट बनाएगी, एक न्यू ईस्ट बनाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब आपने एक चीज देखी कि एक चीज सब चीज इसके अंदर जा रही है, इसका साइटोप्लाज्म जा रहा है, इसका न्यूक्लियस जा रहा है, सारी चीजें डुप्लीकेट करके इसके अंदर जा रही है, लेकिन वैक्यूल डुप्लीकेट करके कभी नहीं जाता है। वैक्यूल तो आप जानते हैं लेटर ऑन बनेगा कब, जब जीआरएल सिस्टम होगा, जीआरएल सिस्टम में लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स बनाते हैं, लेटर ऑन वो बाद में अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। अगर ईस्ट को अगर बहुत सारा शुगर सॉल्यूशन या बहुत सारा खाना मिल जाए इसको, तो क्या करेगा, अपने ऊपर बढ़ थी, ठीक है ना, मैं ये दिखाया था। अगर ईस्ट को बहुत सारा खाना मिल गया होता तो क्या करता है, अपने ऊपर बना लेता, सिंचन बन जाता, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं टोरुला स्टेज, कब बनेगा ये, जब बहुत सारा अबंडेंट फूड होगा, ठीक है ना। तो अगर आप शुगर सॉल्यूशन में भी ईस्ट को रख दोगे तो वो टोरुला स्टेज बना देगा, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड गुड टोरुलेशन, ठीक है ना। तो हमने ये ईस्ट में हमने बात की बच्चे। अब हम देखते हैं एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग।
इन एनिमल्स, ठीक है ना, एनिमल्स के अंदर देखते हैं बच्चे, एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल एक्सटर्नल बडिंग, नाम बता रहे हैं यार, बाहर बडिंग होगी, बचपन से आप पढ़ रहे हैं, एक एग्जांपल इसका हाइड्रा, हाइड्रा एनिमल है यार, बिल्कुल है, क्योंकि ये एक सिलेंट्रेट है, ठीक है ना, सिलेंट्रेट किंगडम एनिमेलिया का मेंबर है, किंगडम एनिमेलिया का एक फाइलम है सिलेंट्रेट, उसका एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर हम क्या देखते हैं, ये हाइड्रा, ठीक है ना, यहां पे हाइड्रा की एक छोटी सी बड निकली, छोटी सी बड निकली, ठीक है, अभी सॉरी इसके अभी टेंटिकल्स नहीं बनेंगे, एक छोटी सी बड निकली, ये एक्सटर्नल बड है, बड निकली, लेटर ऑन क्या हुआ, ये बड, बड क्या हुआ, इससे डिटैच कर गए और बन गई एक न्यू हाइड्रा, ठीक है ना, एक नई हाइड्रा बन के तैयार हो गई है। तो ये होता है एक्सटर्नल बडिंग। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन, बडिंग में भी क्या हो रहा है, एक सेल थी सर दो सेल बन गई टूटकर, और बाइनरी फ्यूजन में भी क्या हो रहा है, एक सेल थी दो सेल बन गई टूटकर, बट डिफरेंस क्या है बच्चे, यहाँ पे पेरेंट ये रहा और पेरेंट ये रहा, पेरेंट तो ऐसा है, बाइनरी फिशन के अंदर पेरेंट ने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, पेरेंट हो गई है वहां पे, दो डॉटर अभी भी बन जाएगी, यहां पर एक अलग बना है, पेरेंट की आइडेंटिटी एज सच रहती है, इंटैक्ट रहती है। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं इंटरनल बडिंग। व्हाट इज दैट इंटरनल बडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी लिखती है इस चीज को, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट इंटरनल बडिंग वाला। सबसे पहले इसके एग्जांपल है, दैट इज पॉलीफेरा, पॉलीफेरा इज अ, पॉलीफेरा का स्पॉन्ज भी बोलते हैं, पॉलीफेरा मतलब पोर बेयरिंग बॉडी, इसी पूरी बॉडी पे छोटे 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 पोर्स होते हैं जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं। चलो देखते हैं, बच्चे इसकी बॉडी पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम ऑस्टिया बोलते हैं, जो कि माउथ की तरह होते हैं, और ये न्यूमरस होंगे, बहुत सारे होंगे, मैनी न्यूमरस, और एक होता है बड़ा पोर, दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम, वो सिर्फ एक ही होगा, ठीक है, वो एनस की तरह एक्ट करेगा, इट इज एनालॉगस टू एनस। तो क्या होता है, ये बट ये पूरा स्पॉन्ज है, एक मैंने पूरा स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर बनाया है, तो स्पॉन्ज आप जब देखोगे ना, तो स्पॉन्ज के अंदर बीच में कैविटी होगी, ठीक है, और बाहर पूरी बॉडी होगी जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स होंगे, तो ये अंदर जो इसकी कैविटी है, दैट कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, अंदर तो खाली स्पेस है, स्पॉन्जोसील। तो क्या करता है ये, अंदर ही क्या बनाने लगता है, अंदर ही बहुत सारे बड बनने लगती है, अंदर ही इसकी वॉल से बड तैयार होने लगती है, अंदर ही इसकी वॉल से बड तैयार होने लगती है, अंदर बहुत सारी बड बन जाती है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल बड, ठीक है ना, ये क्या है बच्चे, इंटरनल बड है, और इस इंटरनल बड को हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल, राइट, इस इंटरनल बड को हम बोलते हैं जेम्यूल, इसलिए हम इंटरनल बडिंग को क्या बोलते हैं, जेम्यूलेशन, राइट। तो इंटरनल बड़ा कॉल्ड जेम्यूल्स, इंटरनल बडिंग इज कॉल्ड जेम्यूलेशन। तो यहां पर ये छोटे 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 स्ट्रक्चर बना लेता है, एनसीईआरटी आप ओपन करेंगे तो पेज नंबर 4 पे फोर्थ डायग्राम जो दिया हुआ है, फोर्थ फिगर जो बनाया हुआ है, वो इसी चीज का बनाया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ उन्होंने, स्पॉन्जेस के अंदर जेम्यूल्स, ठीक है ना, जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। तो दिस इज ऑल अबाउट बडिंग, क्लियर है, नोट करो।
चलिए बीच में वीडियो को पॉज करके आप पूरा इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेगा, आप उसको खुद से नोट करेंगे और नोट करते करते आपके दिमाग में सारी चीजें चलनी चाहिए, ठीक है ना। उनको चीजों को याद करते रहिए, मेरे पढ़ाने के बाद जस्ट बाद आपको एनसीईआरटी खोलनी है, एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़नी है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम मैं आपके साथ क्लासरूम में आऊंगा, रियल क्लासरूम्स के अंदर हम बात करेंगे, तो जितना भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा बच्चे आपको वीडियो लेक्चर्स में, मैं आपसे सारी चीजें पूछने वाला हूँ, एनसीईआरटी से पूछने वाला हूँ। आप सब पूरा तैयार करके आइएगा, स्कूल आपको जाना नहीं है, ठीक है। सारी चीजें आपके फेवर में, अभी आपको सिर्फ घर बैठ के पढ़ना, आपके पास वीडियो लेक्चर्स वगैरह सारी चीजें वहां पे पहुंच रही है, राइट। डाउट्स वगैरह जितने भी हैं आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, माई नंबर इज दिस इज माई कॉलिंग नंबर, ठीक है ना। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं डाउट, ताकि हम क्लासरूम के अंदर सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद बच्चे स्टार्ट करते हैं। रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी सेल्स जो अपने आप को जनरेट करके बहुत सारी सेल्स बना सकती हो, ऐसी सेल्स अपने आप, मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी की भी एक पोटेंसी होती है, क्या होती है, पोटेंसी। व्हाट इज पोटेंसी? एक इंडिविजुअल की, एक सेल की, एक ऑर्गेनिज्म की, किसी की भी वो ताकत जिससे वो बहुत सारी सेल्स बना सकता हो, दैट्स कॉल्ड पोटेंसी, ठीक है ना। अब वो पोटेंसी अगर एक सेल से कुछ हजारों सेल्स बन रही हैं, कुछ हजार सेल्स बन रहे हैं, कुछ 800 से हजार सेल बन रही हैं, तो दैट्स कॉल्ड टोटल पोटेंसी। बट अगर एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए तो दैट्स कॉल्ड प्लूरीपोटेंसी। सब इतना सब नहीं आता आपके सिलेबस में, हमें सिर्फ इतना जानना है कि रीजनरेशन में दो चीजें होती हैं, एक होती है मॉर्फोलेक्सिस और एक होती है एपिमॉर्फोसिस। बहुत इजी है दोनों चीजें, मॉर्फोलेक्सिस एंड एपिमॉर्फोसिस, कुछ नहीं है दोनों के अंदर। रीजनरेशन आपको पता, मैं प्लेनेरिया के अंदर पढ़ा था, ठीक है, वही है। प्लेनेरिया के अंदर आपने पढ़ा था कि एक प्लेनेरिया है, उस प्लेनेरिया को तीन में काटा हुआ है और ये तीनों से नया प्लेनेरिया बन गया। तो आप देख रहे हैं कि इनकी पूरी बॉडी रीजनरेट कर जा रही है, ठीक है ना, इनकी पूरी बॉडी रीजनरेट कर जा रही है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलेक्सिस, होल बॉडी रीजनरेट, ठीक है ना। याद रखना ये एम है, एम को उल्टा कर देगा डब्लू, ठीक है ना। तो पूरी बॉडी रीजनरेट कर जा रही है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलेक्सिस। एपिमॉर्फोसिस क्या होता है बच्चे? एपिमॉर्फोसिस होता है कोई एक पार्ट बॉडी का रीजनरेट करें, ठीक है ना। मॉर्फोलेक्सिस में तो पूरी बॉडी रीजनरेट कर गई। एग्जाम्पल मैंने देखा, शानदार एग्जाम्पल इसका प्लेनेरिया। एपिमॉर्फोसिस में क्या हुआ? एपिमॉर्फोसिस के अंदर कोई एक पार्ट, एक बॉडी का एक पार्ट रीजनरेट करेगा। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल है लिजर्ड की टेल। जब भी आप लिजर्ड पे मतलब कुछ फेंक के मारते हैं तो क्या होता है, अपनी टेल छोड़ देती है, आपको लगता है टेल कट गई है, एक्चुअली वो अपनी टेल को छोड़ देती है। क्यों? ताकि आप उस टेल को देखते रहेंगे, क्योंकि टेल हिलती रहेगी और इतने में भाग जाएगी। तो वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने प्रीडेटर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसा करती है और वो टेल वापस से क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एपिमॉर्फोसिस। क्लियर है यहां तक? तो हमने देखा कि इसके अंदर कुछ नहीं है बच्चे, रीजनरेशन में दो है, मॉर्फोलेक्सिस और एपिमॉर्फोसिस। मॉर्फोलेक्सिस पूरी बॉडी रीजनरेट कर रही है और एपिमॉर्फोसिस पे बॉडी का एक पार्ट रीजनरेट कर रहा है। चलो इसके बाद हम देखते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन का सबसे पहले बेसिक एग्जांपल है इसका स्पायरोगायरा, ठीक है। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा में क्या होता है? ये स्पायरोगायरा,
स्पायरोगायरा का मतलब स्पायरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्पायरोगायरा, स्पायरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्या होता है बच्चे, फ्रैगमेंटेशन में गलती से इसका कभी फ्रैगमेंट टूट जाए या कभी कभी ये अपने बीच में डेड सेल्स बना के भी अपने आप को तोड़ देता है, ठीक है। अगर ये दो में टूट जाए और इंडिविजुअली अपने आप में ग्रो करने लगे, ठीक है ना, कि इंडिविजुअली अपने आप में पूरा ग्रो कर देंगे, नई स्पायरोगायरा बना देंगे, तो एक से दो स्पायरोगायरा बन गई हमारी, ठीक है ना, एक स्पायरोगायरा से दो स्पायरोगायरा बन गई है, दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। जनरली फ्रैगमेंटेशन जो होता है वो जानकर नहीं होता, कोई भी अपनी बॉडी को जानकर नहीं तोड़ेगा, ठीक है। जनरली ये अपने आप टूट जाती है तो रीजनरेट कर जाती है। तो मैं बोल सकता हूं कि फ्रैगमेंटेशन जो है वो एक टाइप है रीजनरेशन का, ये ठीक है ना। रीजनरेशन कुछ एक ब्रॉड कैटेगरी है, रीजनरेशन का मतलब है कोई भी एक सेल है, सेल रीजनरेट कर गई, हमारी लिवर रीजनरेट कर गई, लिवर का रीजनरेट करना रिप्रोडक्शन नहीं है, फ्रैगमेंटेशन में रिप्रोडक्शन हो गया, गॉट माय पॉइंट। तो रीजनरेशन एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है और फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा टाइप है जिससे रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, क्लियर है यहां तक, चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, मैं आपके सबकी कॉपी चेक करूंगा कि आपने नोट किया है। देखिए बच्चे, हमने फ्रेगमेंटेशन किया, इसके बाद हमारा आ जाता है गैमेट, ठीक है ना। नेक्स्ट है गैमेट, गैमेट क्या होता है, देखो गैमेट होता है किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर। आप जानते हैं किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे का एक डिवीजन है ब्रायोफाइट, किंगडम प्लांटे में हमने डिविजन पढ़े थे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, तो इट इज वन ऑफ द डिविजन ऑफ किंगडम प्लांटे। तो ब्रायोफाइट का, ब्रायोफाइट के अंदर आते हैं लिवरवर्ट्स, ठीक है ना। लिवरवर्ट का एक एग्जांपल है जो हमें यहां पर पढ़ना है, दैट इज मार्केंशिया, मार्केंशिया, मार्केंशिया के अंदर गैमेट, मार्केंशिया के अंदर कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, मार्केंशिया के सरफेस पे कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं गैमेट कप, ठीक है ना, गैमेट कप। और गैमेट कप जो होती है उसमें भरे होते हैं गैमेट। अबे गैमेट क्या है, गैमेट जो है बच्चे वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना। तो ये पूरा जहां पे ये क्या करेगा बच्चे, जर्मिनेट करेगा, और ये जर्मिनेट करके न्यू लिवरवर्ट बना सकता है, ठीक है ना। ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद न्यू लिवरवर्ट बना सकता है। तो गैमेट, गैमेट किसमें होता है, ब्रायोफाइटा के लिवरवर्ट का एक एग्जांपल है मार्केंशिया, उसके अंदर होता है गैमेट। वहां पे क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलते हैं गैमेट कप। गैमेट कप के अंदर भरे होंगे गैमेट, गैमेट कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है, विंग्स है दो और एड जैसी स्ट्रक्चर होती है, और ये स्ट्रक्चर उड़ के पहुंच जाएगी और जहां पर भी जाएगी वहां पे जर्मिनेट करके एक न्यू लिवरवर्ट बना देगी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है बल्बिल, अभी सिर्फ बल्बिल के बारे में इतना ही याद रखो, अभी सिर्फ बल्बिल के बारे में इतना याद रखो कि ये फ्लैशी बर्ड है, कुछ नहीं है, इट इज अ फ्लैशी बर्ड, ये एक फ्लैशी बर्ड है, राइट, ये एक फ्लैशी बर्ड है बल्बिल। और एग्जांपल है इसकी सेंचुरी प्लांट, ठीक है ना, सेंचुरी प्लांट, सेंचुरी प्लांट दैट इज अगेन, हम सेंचुरी प्लांट ही बोलते हैं क्योंकि ये 100 साल बाद एक बार फ्लावर करता है उसके बाद मर जाता है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाट सेंचुरी प्लांट या अगेन। नेक्स्ट टूरियन, ठीक है ना बच्चे, नेक्स्ट होता है टूरियन। टूरियन के अंदर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ये होती है स्वॉलन बर्ड,
और इसके एग्जांपल दो हैं, कौन कौन से, यूट्रिकुलेरिया और पोर्टा मोजिटॉन। अगर ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है ना। अब पहले एम्स जिपमर वगैरह पूछते थे, अब नहीं पूछा जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एनसीईआरटी लिखती है इसको स्पोर्ट्स, ठीक है ना। स्पोर्ट्स के बच्चे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, देखो सबसे पहला ए प्लान स्पोर्ट्स, सेकेंड इज जू स्पोर्ट्स, थर्ड इज क्लेमाइडो स्पोर्ट्स, फोर्थ इज स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कोरेडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी वगैरह, ठीक है ना। अब देखो बच्चे, आपको क्या याद रखना है कि ये जो जू स्पोर्स है, एनसीईआरटी तो लिखते हैं जू स्पोर्स और कोलिडिया, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये चारों स्पोर्स जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर में बनते हैं, ये फॉर्म इन अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर बोलते हैं, और ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बन रहे हैं, स्पोर बेयरिंग बैग स्पॉट आप जानते हैं, दैट इज स्पोरांजियम, ठीक है ना। तो ये स्पोर स्पोरांजियम के अंदर बन रहे हैं, अंदर बनने वाली स्पोर्स को हम एंडोजीनस स्पोर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कोनिडिया है ये आपकी बाहर बनती है, तो ये होती है एक्सोजीनस स्पोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है 11 से रिलेट करके बता, ठीक है। तो हमें सिर्फ एनसीईआरटी वाली दो एक बार देखनी है। पहली है हमारी जू स्पोर्स, जू स्पोर्स, जू का मतलब मोटाइल, तो कैसी स्पोर्स है, मोटाइल स्पोर्स है। दूसरी बात कब बनेगी, जब कंडीशन अच्छी होगी, फेवरेबल होगी, अनफेवरेबल होगी तो इसकी जगह इप्लानो स्पोर्स बन जाते हैं जो कि मोटाइल नहीं होती, ठीक है ना। एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्लेमोडोनास, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल है क्लेमोडोनास, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जू स्पोर्स का। एनसीईआरटी एक फिगर बनाती है, पहला ही फिगर आप देखोगे पेज नंबर 4 पे तो आपको दिखेगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है, इन्हीं ये ही जू स्पोर्स है, ठीक है ना। यहां से बाहर निकल जाते हैं, ये जब ये स्प्लिट करता है तो बाहर निकल जाते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम उठाई दो फोन।